ओम गणेश श्री महागणेशाय नमः। दाथी दाथी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। हर माह में तो चतुर्थी आती है। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस बार यह चतुर्थी 21 मार्च दिन सोमवार को है। हिंदू धर्म में चतुर्थी व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। गणेश जी को सर्वप्रथम पूजनीय देव माना गया है। यही वजह है कि हर शुभ कार्य से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। इस दिन व्रत करने से और सच्चे मन से भगवान श्री गणेश की आराधना करने से विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के सभी विघ्नों को दूर करते हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करने से धन, यश, वैभव और अच्छी सेहत की भी प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे दिन उपवास रखकर चंद्र दर्शन करने के बाद व्रत खोला जाता है। चतुर्थी व्रत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और दुखों को दूर करने वाला माना जाता है। दोस्तों, चतुर्थी का दिन भगवान श्री गणेश को अत्यधिक प्रिय है। यह दिन भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माना जाता है और इस बार की चतुर्थी तो और भी ज्यादा खास है, क्योंकि इस बार चतुर्थी सोमवार के दिन है। सोमवार का दिन भगवान श्री गणेश जी के पिता भगवान शिव जी को समर्पित होता है। दोस्तों, सोमवार के दिन आने वाली चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश के साथ ही भगवान भोलेनाथ का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री गणेश के साथ ही भगवान शिव भी अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। मान्यता है जिसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है, भगवान श्री गणेश अपने उन भक्तों के सभी विघ्नों को भी दूर कर देते हैं। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय है शिवलिंग का पूजन करना। अलग अलग मनोकामना के लिए शिवलिंग पर अलग अलग द्रव्य अर्पित किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप विद्यार्थी हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ा हुआ ज्यादा देर तक याद नहीं रहता, परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं आ पा रहे हैं, आप अपने मस्तिष्क को तेज करना चाहते हैं, तो आप एक लोटे में जल लें और जल में दूध मिलाएं। आपको इतना दूध मिलाना है कि जल सफेद रंग का हो जाए। ध्यान रखें, उबला हुआ दूध ना मिलाएं, कच्चा दूध आपको मिलाना है। और फिर इस जल में आपको लगभग एक चम्मच चीनी डालकर मिला देनी है। जब चीनी दूध में अच्छी तरह से घुल जाए, तब आप इस दूध चीनी के जल से भगवान श्री गणेश का अभिषेक करें। थोड़े से जल से भगवान श्री गणेश का अभिषेक करने के पश्चात आप बचे हुए जल से भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की कृपा से मस्तिष्क तेज होता है, पढ़ाई में मन लगने लगता है। मस्तिष्क तेज होने से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद भी रहता है और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। साथ ही भोलेनाथ की भी कृपा प्राप्त होती है और कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, कड़ी मेहनत करने के बाद भी आपको सफलता नहीं मिल पाती, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है, तो दोस्तों आप एक लोटे में शुद्ध जल लें और जल में काले तिल डाल लें। अगर गंगा जल हो तो जल में थोड़ा गंगा जल भी मिला लें। इसके साथ ही आप एक तिल का मिष्ठान लें, जैसे तिल के लड्डू, तिल बुग्गा, तिल का कोई भी मिष्ठान आप ले सकते हैं। अगर मिष्ठान ना हो तो आप सफेद तिल को गुड़ में मिला लें और उससे तिलकुट बना लें। अगर गुड़ भी ना हो तो तिल के साथ आप थोड़ी सी शक्कर एक कटोरी में रख लें। अब सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और भगवान के सामने एक दीपक जलाएं और एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। अब इस तिल के मिष्ठान का आप भगवान श्री गणेश को भोग लगाएं। अब आप भगवान श्री गणेश जी के ओम गण गणपते नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र का जाप करने के बाद जल के पात्र में जो आपने काले तिल डाले हैं,
इस जल के पात्र से आप भगवान शिव की शिवलिंग का अभिषेक करें। पूजन करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को प्रणाम करें और कार्य में आ रही बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करें। दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह भगवान श्री गणेश भगवान शिव का तिल से पूजन करने से पापों का नाश हो जाता है। पापों की वजह से ही दुर्भाग्य में बढ़ोतरी होती है और कार्यों में रुकावट आती है, सफलता नहीं मिल पाती। जब पापों का नाश हो जाएगा तो आपके सौभाग्य में बढ़ोतरी होने लगेगी। सौभाग्य में बढ़ोतरी होने से किस्मत साथ देने लग जाएगी, जिससे कार्यों में आ रही बाधाएं रुकावट दूर होंगी और कार्यों में सफलता मिलने लग जाएगी। दोस्तों, अगर आपको लगातार धन संबंधी समस्या बनी रहती है, घर में धन की हानि होती है, आर्थिक तंगी दूर नहीं हो पा रही है, तो घर से धन संबंधी समस्या को दूर करने के लिए आप आज के दिन एक लोटे में गन्ने का रस लें। अब इससे आप पहले भगवान श्री गणेश का अभिषेक करें, इसके पश्चात भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करें। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या निश्चित ही दूर हो जाती है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की हानि होना बंद हो जाती है। भगवान श्री गणेश भगवान शिव जी की कृपा से धन में वृद्धि होना शुरू हो जाती है और आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, ध्यान रखना है, गन्ने के रस में नमक, नींबू या मसाला कुछ भी मिला नहीं होना चाहिए। आपको सादा गन्ने का रस लेना है और इसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेना है। गन्ने का रस ना ले सके तो आप एक लोटे में शुद्ध जल भरें और उस लोटे में आप ज्यादा सी शक्कर डाल लें और फिर शक्कर को अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से घोल दें। जब शक्कर पानी में पूरी तरह से घुल जाए तब आप इस जल से भगवान जी का अभिषेक करें। ध्यान रखें, गन्ने के रस से अभिषेक करने के पश्चात आप भगवान श्री गणेश और भगवान शिव का सादा जल से अभिषेक अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको संतान संबंधी कोई समस्या है, आपकी संतान नहीं हो पा रही है या संतान है और संतान को कोई कष्ट रहता है, जैसे कि कोई बीमारी बनी रहती है या फिर आपको कोई रोग है, तो वनस्पति संतान के कष्टों को दूर करने के लिए और रोगों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए दोस्तों आप एक कटोरी में शुद्ध घी लें, भगवान श्री गणेश के सामने दीपक जलाएं और घी का भोग लगाएं। इसके पश्चात ओम गण गणपते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अगर आप पुरुष हैं तो आप थोड़ा सा शुद्ध घी लेकर भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ाएं और फिर हाथ से शिवलिंग पर इस घी को मलें। भोलेनाथ को इस तरह शुद्ध घी अर्पित करें, फिर जल से अभिषेक करें। अगर आप महिला हैं तो आप लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें थोड़ा सा शुद्ध घी डाल लें। अब घी डले हुए इस जल से भोलेनाथ की शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान श्री गणेश भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात आपको जो समस्या है उसे भगवान जी के सामने रखें और समस्या को दूर करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह आज के दिन भगवान श्री गणेश भगवान शिव का पूजन करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। अगर कोई रोग होता है तो वह भी जल्द ही दूर हो जाता है और संतान के भी कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, पूजन पूर्ण होने के बाद आप एक रोटी लें और जो आपने भगवान श्री गणेश को घी का भोग लगाया है उसे रोटी के ऊपर रखकर गौ माता को खिला दें। दोस्तों, अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, नौकरी कर रहे हैं नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही या फिर मनचाहा वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो दोस्तों आप एक लोटे में जल लें और इस जल में आप थोड़ा सा शहद और थोड़ा घी मिलाएं। अगर गंगा जल है तो गंगा जल भी इस जल में मिला लें। अब इस घी और शहद के जल से आप भगवान श्री गणेश का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें और फिर आप भगवान शिव की शिवलिंग का बचे हुए जल से अभिषेक करें और आपके व्यापार या नौकरी में जो भी समस्या है उसे दूर करने की भगवान श्री गणेश भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। दोस्तों, आज के दिन इस तरह भगवान श्री गणेश भगवान भोलेनाथ का पूजन करने से
व्यापार में आ रही रुकावट दूर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है, नौकरी में भी फायदा होता है, व्यापार अच्छा चलने लगता है और धन का लाभ होता है। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से जुड़े हुए विवाद भी जल्द ही दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश भगवान शिव का पूजन करते समय आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर आप जल में दूध डालकर चढ़ा रहे हैं तो तांबे के पात्र का इस्तेमाल ना करें। महिलाएं भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श ना करें। पुरुष शिवलिंग का अभिषेक करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और महिलाएं नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, इस शुभ संयोग पर इस तरह भगवान श्री गणेश भगवान शिव का पूजन कर अपने जीवन को सुखमय अवश्य ही बनाएं। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें, हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।